हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ सुरेंदर आप लोग के बीच एक डवेली का डिश लाया हूँ जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट है और बहुत कम समय में बना लेंगे इसको घर पे आसानी से। तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले बॉयल आलू लिए, आप बॉयल करके बना सकते हैं। मेरे पास बॉयल आलू था, मैं उसी को लिए हूँ। इस चाकू के सहारे इसको छील लें, छीलने के बाद इसको मैश कर लें। मैश अच्छा से स्मूथ जितना हो जाएगा, डगाट बहुत महीन होगा गिलास से करेंगे तो। इसी तरीके से आप महीन कर लीजिए ताकि एक भी लम्स इसमें न रहे। से करेंगे तो हाथ से पूरा ना हो पाएगा, गाढ़ गाढ़ रह जाएगा। और चलिए मैं एक फ्राई पैन लेता हूँ, फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल डालता हूँ। तेल डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डालूंगा, थोड़ा ग्रीन चिली इसमें डालूंगा। डालने के बाद इसको करीब 1 मिनट पका लेंगे ताकि पक जाएगा तो अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं ऑनियन चॉप किया हुआ डालूंगा, जो कि आप अगर अगर आप ऑनियन नहीं खाना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। और मैं इसको पकाने के बाद इसमें थोड़ा नमक ऐड करूंगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा जीरा। ये सब डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगा जो कि मसाला जले ना। उसको डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डालूंगा और इसको पकाने के बाद थोड़ा मैं धनिया पत्ता डालूंगा श्रद्धा के अनुसार। धनिया पत्ता अवेलेबल भी है और बहुत सस्ता भी है, इसलिए डालते हैं। धनिया का कोई कमी मत करिए, डालिए। और इसको डालने के बाद मैं मसालों के और पानी के साथ इसको पका लें। पकाने के बाद में जो आपने आलू को मैश करके रखा है उसको इसमें ऐड करना है, उसको भी इसको पकाना है ऐड करके, ताकि मसाला जो आलू के साथ अंदर में मिल जाए और बहुत आसानी से पक भी जाए। ये डिश बहुत बढ़िया है, तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिए। इसी तरीक़े से बनाइए, आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा। पिज़्ज़ा बर्गर जो खाते हैं पावा जी, उससे भी बेहतरीन डिश है, ज़रूर ट्राई करिए। और ये मेरा मसाला पक चुका है, इसको हम खाली करेंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैंने ब्रेड काटेंगे, जो पावा जी का ब्रेड होता है उसको आप काटिए। थोड़ा सा इसमें आप लहसुन का चटनी लगाइए और जो मसाला बनाए हैं उसमें इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा जो भी ड्राई फ्रूट है उसको आप ऐड करिए। मेरे पास बादाम है तो वो डाल रहे हैं, थोड़ा भुजिया डालिए आप अगर डालना चाहते हैं। डालने के बाद मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता इस पर ऐड करूँगा। इसी तरीक़े से मैं 2-3 बना लूँगा। बनाने के बाद में इसको मैंने, अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में बना सकते हैं, नहीं तो फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं। मेरे पास माइक्रो ओवन है, मैं उसी में बनाऊँगा इसको। और मेरा ये डवेली बन के रेडी हो चुका है और मैं इसको बटर लगा कर माइक्रो ओवन में सेकूँगा। इसी तरीक़े से जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीक़े से आप बनाएंगे, बहुत ईजी डिश है, बन जाएगा। देखिए मेरा रेडी हो चुका है। और ऊपर से थोड़ा बटर स्लाइस करिए, अगर बटर नहीं है तो आप घी भी लगा सकते हैं घर पे। और माइक्रो में 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको गर्म करिए, गर्म करने के बाद आप इसको सर्व करिए, बहुत पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको बढ़िया लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और